आज हम पीएमआई पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में हमें इनइक्वालिटी दी हुई होगी और उस इनइक्वालिटी को हमें प्रूव करना, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ 1+2+3+ एंड सो ऑन अप टू एन, सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन 1/8 टाइम्स 2n+1 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको 1 के लिए चेक करते हैं। तो हमने n की वैल्यू 1 रखी, जैसा कि पहले करते हैं। इधर से फर्स्ट टर्म ले लेंगे और राइट हैंड साइड पर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे। इधर से हमने n की वैल्यू 1 रखी तो 2 × 1+1, तो 2 × 1 2 2+1 3 एंड 3 का स्क्वायर, 3² इज 9। तो वी गेट 1 इज लेस देन 9/8। 9/8 को आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 point something आएगा। तो 1 इज स्मॉलर देन 1 point something, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। यानी कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी कि P1 आपका ट्रू है। अब हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट PK इज ट्रू, कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो n की वैल्यू k के लिए ट्रू है। यानी कि 1+2+3+up to k इज लेस देन 1/8 टाइम 2k+1 होल स्क्वायर। हमने इस स्टेटमेंट को n की वैल्यू k के लिए ट्रू अज्यूम कर लिया और सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम इसकी हेल्प से इसको k+1 के लिए ट्रू प्रूव करेंगे। तो k+1 के लिए स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ पर k तक का सम था, तो k+1 के लिए लिखेंगे तो विल गेट द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स अप टू k+1। तो k के बाद k+1 आता है, तो 1+2+3+k+k+1, सम ऑफ फर्स्ट k+1 नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पर आप k की जगह k+1 रखिए, तो ब्रैकेट में k+1 रखेंगे, 2 in the bracket k+1, 2k+2 और प्लस 1 ये ऑलरेडी है, तो 2k+2+1 दैट बिकम्स 2k+3 एंड देयर इज अ होल स्क्वायर। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो सीरीज वाले क्वेश्चंस में तो हम क्या करते थे कि फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू उठा करके रख देते थे। अब यहाँ पर क्या स्टेटमेंट है, यहाँ ये स्टेटमेंट है कि सम ऑफ दीज लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन दिस, तो इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इससे कम है, तो इसकी जगह पे हम ये नहीं पुट कर सकते। वी कैन नॉट पुट द वैल्यू ऑफ फॉर्म ऑफ के टर्म्स फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, वील हैव टू यूज सम डिफरेंट अप्रोच हेयर। तो हमने क्या देखना है, हमें कंपेयर करना है लेफ्ट हैंड साइड को। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर के तक के नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में के प्लस वन तक के नेचुरल नंबर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस है कि के प्लस वन कम है यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड को अचीव करने के लिए, क्योंकि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है और इसकी हेल्प से ही हमें प्रूव करना है, तो हम इसकी दोनों साइड पर के प्लस वन ऐड कर देते हैं। तो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर, एडिंग k प्लस वन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन वन। जो इक्वेशन वन है इसकी दोनों साइड पर हम k प्लस वन ऐड करते हैं। तो 1+2+3+k ये ऑलरेडी है, इसमें k प्लस वन ऐड कर दिया, और राइट हैंड साइड में भी ये आपका 1/8 × 2k+1 का होल स्क्वायर था, उसमें भी k प्लस वन हमने ऐड किया। अब लेफ्ट हैंड साइड तो जो हमें प्रूव करना है उसकी आ गई, राइट हैंड साइड इसको सॉल्व करके हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ फ्रैक्शंस हैं, तो हमें अपॉन में 1 मान के इसका एलसीएम लिया, 8 और 1 का एलसीएम 8, तो 8/8 is 1, तो 1 × 2k+1 होल स्क्वायर एज सच, एंड 8/1 is 8, 8 × k+1 ब्रैकेट को खोलेंगे और यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो यहाँ मैंने आइडेंटिटी लगाई और यहाँ पर 8 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। लाइक टर्म्स कलेक्ट की हमने, 4k+8k 12k और 1+8 9, 4k² एज सच। अब इसको देखें तो दिस इज 2k होल स्क्वायर, दिस इज 3 होल स्क्वायर एंड दिस इज 2 × 2k × 3, तो ये 2k+3 का होल स्क्वायर बन जाता है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो विल गेट द सेम थिंग, तो 2k+3 होल स्क्वायर अपॉन 8, एंड इफ वी कंपेयर दिस इज द सेम थिंग दैट वी हैव टू प्रूव। यानी कि आपने फर्स्ट के प्लस वन नेचुरल नंबर्स का सम प्रूव कर दिया कि लेस देन ये होता है। तो इस क्वेश्चन में तो एग्जैक्टली द सेम थिंग आपके पास आ गई जो आपको प्रूव करनी थी। एग्जाम्पल है या और क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनमें ऐसा होगा कि आपकी जो प्रूव करना है उससे कुछ टर्म एक्स्ट्रा भी आ जाएगी। सपोज आपके पास आ जाता है कि
सपोज आपके पास आ रहा है 5 इज लेस देन 3 प्लस 7, तो 5 3 प्लस 7 से लेस है। अब ये इन दोनों के सम से छोटा है, तो 5 इज लेस देन 3 प्लस 7, और ये 3 कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो मे बी सम केसेस में ऐसा आ जाए कि जैसे ये आ रहा है 5 इज ग्रेटर देन 2 प्लस 1, 5 ग्रेटर देन 2 प्लस 1 आ जाता है, 5 इन दोनों के सम से बड़ा है। आपको प्रूफ में खाली 2 ही चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 5 व्हेन इट इज ग्रेटर देन सम ऑफ 2 एंड 1, तो 5 इज ग्रेटर देन 2 ऑल्सो। तो उसमें आप ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है उसको छोड़ दें, जो आपको प्रूफ में चाहिए खाली उसको रख लें, तो भी आपका प्रूफ हो जाएगा। तो कुछ स्टेटमेंट में, कुछ क्वेश्चंस में इस तरह का भी आपको यूज करना पड़ सकता है। तो अब आपका आ गया, तो आप लास्ट में लिखेंगे कि पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, एंड देयर फोर पी एन इज ट्रू फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स बाय पी एम आई। ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें भी एक इनइक्वालिटी हमें गिवन है, हम प्रूव करना है कि 2n+7 इज लेस देन n+3 होल स्क्वायर। तो पहले 1 के लिए चेक करते हैं, इनकी जगह हमने 1 रखा, 2 × 1+7 9, और 1+3 यानी कि 4 का होल स्क्वायर 16, और 9 लेस देन 16 तो हमेशा ट्रू ही होता है, 9 स्मॉलर देन 16 ही है, सो देयरफॉर p1 इज ट्रू। फिर हम अज्यूम कर लेते हैं लेट pk इज ट्रू, इनकी जगह सिंपली हमने k रख दिया। इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर लगा के, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab + b², तो ये चीज़ हमें अज्यूम कर ली है कि ट्रू है। अब हमें प्रूव करना है कि पी के प्लस वन इज ट्रू, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो k प्लस वन के लिए भी ट्रू है। तो n की जगह पे मैंने k प्लस वन रखा, 2 × k+1 + 7, फिर k प्लस वन रखा तो k+1 + 3, तो k+1 + 3 k+4 हो गया। इसमें मैंने आइडेंटिटी लगाई k² + 8k + 16, और इधर ये 2k+2+7 2k+9 मीन्स ये ट्रू है और ये मुझे प्रूव करना है। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ 2k+7 है, यहाँ 2k+9 है, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू, 2 का डिफरेंस है, ये 2 कम है जो बस फर्स्ट इक्वेशन की LHS है, तो इसमें हम 2 ऐड कर देते हैं ताकि इट बिकम्स 2k+9 सेम एज द रिजल्ट दैट वी वॉन्ट अ प्रूव। तो इसमें मैंने 2 ऐड किया, तो दोनों साइड पर 2 ऐड करना पड़ेगा ताकि ये जो ट्रू स्टेटमेंट है वो ट्रू ही रहे। तो 2k+9 इज लेस देन k² + 6k + 9+2 = 11। अब हम इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में जो k वाली टर्म है वो 6k है, सेकंड इक्वेशन में 8k, तो 6k हमेशा 8k से स्मॉलर होता है, और हमारी जो 11 है वो हमेशा लेस देन 16 होता है। तो 6k स्मॉलर देन 8k है, 11 स्मॉलर देन 16 है, इनको हम ऐड कर दें अगर, तो 6k + 11 विल बी स्मॉलर देन 8k + 16। ये जो हमें प्रूव करना था 8k और 16 मैंने वहाँ से लिए हैं, और ये 6k और 11 जो हमारी सेकंड इक्वेशन है जो कि ट्रू इक्वेशन है वहाँ से उठाए हैं, उसकी हेल्प से हमें प्रूव करना है। 6k स्मॉलर देन 8k एंड 11 इज स्मॉलर देन 16, तो दो स्मॉलर चीज़ों का सम दो ग्रेटर नंबर से स्मॉलर ही होगा, तो 6k + 11 इज स्मॉलर देन 8k + 16। अब हम दोनों साइड पर k² ऐड कर देते हैं ताकि हम सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर कर सकें, तो k² + 6k + 11 इज स्मॉलर देन k² + 8k + 16। अब आपकी सेकंड इक्वेशन कहती थी कि 2k+9 इज स्मॉलर देन k² + 6k + 11, और थर्ड इक्वेशन कह रही है कि k² + 6k + 11 इज स्मॉलर देन k² + 8k + 16। यानी कि अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखें, a इज लेस देन b और थर्ड को मान लें b इज लेस देन c, तो a लेस देन b एंड b लेस देन c, इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि a इज स्मॉलर देन c, इसलिए आपका 2k+9 इज स्मॉलर देन k² + 8k + 16, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। सो
So therefore, pk plus 1 is true whenever pk is true. And therefore, pn is true for all natural numbers by principle of mathematical induction.